तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत अभिनंदन किए और सरकार का मंत्री महोदय का कश्मीर और देश के विभिन्न हिस्सों से एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गोविंद मोहन जी ने चलते चलते मुझे निमंत्रण दिया था और मैंने इसको मौका समझकर लपक लिया और आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि मैं बचपन से इस देश की इतिहास, इस देश की संस्कृति, देश के हर हिस्से की भाषा, संगीत, अनेक प्रकार की विधाओं में हमारे देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, इस सब के विद्यार्थी के रूप में मुझे मालूम है कि झेलम का महत्व क्या है। ये यही झेलम है, यही वितस्ता है जिसने हजारों साल से कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधानों की वो साक्षी रही, अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन के स्थल बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। यही झेलम ने आदि शंकर को भी देखा है और यही झेलम ने बौद्ध साधुओं को भी देखा है। यही झेलम ने यहां पर अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन की साक्षी बनी। ज्ञान की तृषा, ज्ञान का अनुसंधान और फिर निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया, ये तीनों हर क्षेत्र में, चाहे क्षेत्र अवकाश का हो, चाहे क्षेत्र ज्योतिष का हो, भाषा का हो, व्याकरण का हो, गणित का हो या संगीत और नाट्य परंपराओं का, हर क्षेत्र के विद्वानों ने इस भूमि से ही निकलकर न केवल भारत, समग्र विश्व के अंदर अपनी कलाओं का लोहा मनाया है। यही क्षेत्र के अंदर सूफी संत भी आए, यही क्षेत्र के अंदर बुद्धिस्ट भी आए, यही क्षेत्र के अंदर शैव और वैष्णव परंपराओं ने भी अपनी परम सीमा को छूने का काम किया और ये सब का सुभग समन्वय अगर कहीं हुआ तो आज की कश्मीर की संस्कृति में। ये झेलम ने कई कठिन समय भी देखे, वितस्ता की धाराएं कई बार खून से लथपथ भी हुई, धर्मांध लोगों के हमले भी देखे हैं, अनेक राज परिवर्तन देखे हैं, आतंकवाद की भीषण विभीषिका की ये झेलम साक्षी रही। इस सब को अपने उदर के अंदर एक मां की तरह समाहित कर हमेशा बच्चों को स्नेह, प्यार और उत्साह देने का काम ये वितस्ता ने किया है। जो ये झेलम को नदी मानते हैं वो शायद मानव संस्कृति को और मानव संस्कृति की ऊंचाई की पहचान नहीं रहे। ये झेलम मानव की सभ्यता का सबसे उच्चतम स्तर की मुख्य साक्षी ये वितस्ता है और जिसने भी वितस्ता महोत्सव की कल्पना की है मैं उसको आज बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वितस्ता महोत्सव सच्चे कश्मीर का दर्शन समग्र विश्व को कराने वाला एक महोत्सव। ये जो महोत्सव शुरू हो रहा है, लगभग 1900 कलाकार कश्मीर के और 150 कलाकार देश भर के यहाँ पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे, कला का एक्सचेंज भी करेंगे। मैं थोड़ी सी
चित्रकारों की प्रदर्शनी में जाकर आया, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अमित शाह ऐसा नाम मुझे 7 भाषाओं में लिखकर चित्रकारों ने अपनी अपनी भाषा में लिख कर दिया। किसी ने फारसी में लिखा, किसी ने संस्कृत में लिखा, किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने पंजाबी में लिखा, किसी ने गुरुमुखी में लिखा। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरे एक ही नाम को 7 भाषाओं में लिखकर एक छोटे से राउंड के अंदर मेरे जीवन में कभी मैंने प्राप्त नहीं किया। कश्मीर वालों को मैं बताना चाहता हूं, मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा तोहफा है साहब, 7 भाषाओं में 10 मिनट के अंदर कलाकारों ने मुझे मेरे नाम लिख कर दिया। यही बताता है कि देश को एक करना है तो कला और संस्कृति, देश का इतिहास ही देश को एक कर सकता है। एक अनूठा आयोजन है जहां देश भर के व्यंजन भी होंगे और देश भर से आए हुए कलाकार कश्मीरी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएंगे। फेस्टिवल मात्र एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा ब्रिज है जो विदस्ता को गंगा से और तवी को तिस्ता से जोड़कर जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत तथा कला, शिल्प और लोक परंपराओं को पूरे भारतवर्ष से परिचित कराता है। आज देश का कोना कोना इस बात से जागृत हो रहा है कि राष्ट्र का मुकुटमणि सिर्फ नदियों, झीलों और बर्फ से लदे पहाड़ों की वजह से खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसके कोने कोने में, इसके कणकण में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनमोल हीरे बिखरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की लोक परंपरा में अगर भारत की धड़कन छुपी है तो इसके संगीत और साहित्य में मौजूद विविधता एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को नई शक्ति प्रदान करती है। यहाँ माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, ऋषियों, सूफियों, सूफी फकीरों की सूर्या क्षेत्र में सभी मजहब, सभी पंथ, सभी संस्कृतियों को अपने में समेट कर देश की विविधता में बसी एकता को पुष्पित और पल्लवित किया है। अल्लाह ने राज तरंगड़ी में लिखा है कि वह भूमि है जहाँ गंगा के पावन स्रोत से पावन भेदगिरी पर्वत पर स्थित सरोवर में देवी सरस्वती हंस रूप में दिखाई पड़ती है, जहाँ देवताओं द्वारा अर्पित पूजा के चंदन मिलते हैं और इस भूमि पर तिल मात्र भी ऐसा स्थान नहीं है जो तीर्थों से खाली है। ऐसी पावन मिट्टी इस शारदा पीठ की ऊर्जा को आदिकाल से अनेक महान विभूतियों ने सुशोभित किया है और आज भी इसके पहाड़ियों, घाटियों से निकल रहे प्रकृति के स्वर में ललेश्वरी, नंद ऋषि, अब्बा खातून के गीतों की धुन सुनाई पड़ती है। भारतीय संगीत के मूल आधार जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर की जड़ें भी जम्मू कश्मीर में ही हैं, जिसके रचयिता सारंगदेव के पूर्वज कश्मीर घाटी के ही। विदस्ता की भावना हमारे देश की परंपरा की वह धरोहर है जो प्रकृति के सभी रंगों, सृजन के सभी रागों को समेटे हुए जम्मू कश्मीर के क्यूजिन, शिल्प, संगीत और कला के विभिन्न विधाओं के एक नए युग की शुरुआत है। चेन्नई के विदस्ता फेस्टिवल में मुझे स्वयं शामिल होने का अवसर मिला और मैंने इस बात को महसूस किया, पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की धरा एक होकर जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंचाने के लिए उत्साहित है। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में आने वाले भविष्य में असीम सृजनात्मकता के साथ जम्मू कश्मीर जीवन मूल्यों और कलात्मकता के नए शिखर को जरूर प्राप्त करेगा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।